नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया, कौन से लेवल इम्पोर्टेंट थे यहाँ पर और कौन से लेवल ब्रेक हुए, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को यहाँ पर डेली बेस पर बैंक निफ्टी की वीडियो यहाँ पर मिलती रहेंगी। इसमें हम देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि कौन से यहाँ पर लेवल इम्पोर्टेंट है कल के लिए ट्रेड करने के लिए, कहाँ से ऊपर जाएगा तो हम बाइंग करेंगे, कौन सा लेवल ब्रेक होगा तो हम सेल करेंगे, ये सारी चीजों की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं नेक्स्ट डे के ट्रेड के लिए। तो देखिए, आज जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी में जो आज मूव हुई वो मूव देखिए कितनी जबरदस्त मूव हुई। यहां पर देखिए कंटिन्यू, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए यहां पर एक रेंज बनी थी, आप ये रेंज आप कह सकते हैं 21 अक्टूबर से लेकर के जो है ये 30 अक्टूबर तक, मतलब ये 10 दिनों की एक रेंज बनी थी। और रेंज का जो ये ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट हुआ था 2 नवंबर को। 2 नवंबर को ब्रेकआउट होने के बाद देखिए ये कंटिन्यू 7 दिनों से, आज ये 7th ट्रेडिंग सेशन है जिसमें आज फिर इस बैंक निफ्टी ने जो है 1000 पॉइंट्स के जो है मूवमेंट दिखाई है। तो यहां पर देखिए जो आज बैंक निफ्टी जो गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन होने के बाद यहां पर जो ओपनिंग थी वो 28,000 के ऊपर ही ओपनिंग आई थी। तो यहां पर कहीं ना कहीं मैं बुलिश हो गया था क्योंकि क्लोजिंग जो है, मतलब ओपनिंग जो है 28,039 आई थी। अगर यही क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग अगर 27,990, 27,880 ये होते तो फिर मैं इतना बुलिश नहीं होता। सो यहां पर हमने फर्स्ट ट्रेड ही जो है मतलब अपना कॉल साइड में ही एग्जीक्यूट किया था। तो देखिए मैं वो टेलीग्राम में जो भी हमने ट्रेड लिए, जो जो भी मतलब 5-6 ट्रेड हमने लिए, कॉल लिए, पुट लिए, वो सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे। बट यहाँ पर पहले बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं कि हमको जो है आज हमने क्या मूव जो है देखा बैंक निफ्टी में और कल के लेवल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए ओपनिंग जो हुई 28,039 की हुई और जो लो लगा वो लो लगा देखिए 27,000 जो है 917 का। तो यहां से कुछ टाइम के लिए यहां पर करेक्ट जरूर हुआ था। देखिए हाई जो लगा वो 28,801 का लगा और जो यहाँ पर क्लोजिंग आई है वो 28,603 की आई है। तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी और बहुत जबरदस्त क्लोजिंग आई है। तो जैसा मैंने आपको कल बताया था कि अगर मैंने आपको कल ट्रेंड लाइन बताई थी, चलिए मैं आपको वहां पर लेकर चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट में और यहाँ पर ये चीज बताने की कोशिश करूंगा। देखिए मैंने कल आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बताई थी, मैंने आपको ये बताया था कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तब तक हम जो है बायर हैं, और जैसे ही हम ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद हम जो है सेलर बन जाएंगे। तो फाइनली यहां पर देखिए बैंक निफ्टी ने जो पहला जो 15 मिनट की कैंडल बनाई थी वो एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई थी। मैंने यहां पर देखिए एक 5 मिनट के जो है चार्ट में आपको टेलीग्राम में एक चार्ट पोस्ट किया था, उस चार्ट में मैंने बताया था कि यहां पर एक रेंज बन रही थी 5 मिनट के चार्ट में। देखिए मैं आपको यहां पर चलिए लेके चलता हूं 5 मिनट के चार्ट में। तो देखिए 5 मिनट के चार्ट में यहां पर एक रेंज बनी हुई थी, तो मैंने आपको इस तरह से एक लेवल ये ड्रॉ करके दिया हुआ था कि देखिए अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम बायर हैं और नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम सेलर हैं। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है और ये अपना फाइनली लो ब्रेक करता है रेंज बनाने के बाद, तो हम सेलर होंगे और हमारा टारगेट कहां तक होगा, इस ट्रेंड लाइन तक, ये ट्रेंड लाइन तक हमारा जो है टारगेट होता। तो फाइनली देखिए यहां पर बैंक निफ्टी ने जो इसको ब्रेक किया वो ब्रेक किया 28,050 के आसपास और 28,050 से देखिए कंटिन्यू ये जो है 28,000 जो है 801 मीन्स यहां पर हमको 750 पॉइंट्स की जो है अप मूव देखने को मिली। और फाइनली अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मार्केट में सेलिंग क्यों आई। अब ये देखिए मार्केट में सेलिंग, ये देखिए अगर ट्रेंड लाइन आप फॉलो करते हैं, अगर आप टेक्निकल के बारे में जानते हैं, तो ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन यहां पर ब्रेक हुई थी, जो आज डे की 5 मिनट का चार्ट है, ये डे की जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी उसके चलते ये सेलिंग आई और फाइनली देखिए यहां पर इसने डबल बॉटम पैटर्न बनाया और डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद फिर जो है बाउंस बैक किया। ये देखिए मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, ये एक डबल बॉटम पैटर्न यहां पर बना था। तो फर्स्ट बॉटम तो ये हो गया हमारा और सेकंड बॉटम हमारा ये हो गया, तो यहां से जो है फाइनली यहां से बाउंस बैक हुआ था। तो 2 बजे के बाद मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी थी बिकॉज 6 ट्रेड हमने ले लिए थे और 6 ट्रेड में हमने अच्छे खासे जो है प्रॉफिट बना लिया था। सो जो है मतलब बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करने का वो नहीं होता है, बस आपका प्रॉफिट बन गया, आपको एक सेटिस्फाइड प्रॉफिट होना चाहिए। आपका प्रॉफिट हो गया, आप जो है सिस्टम अपना बंद कर दीजिए, बहुत देर तक उसमें मत लगे रहिए। सो हमने जो है देखिए हमारी जो एवरेज है 5 से 7 ट्रेड की होती है डेली की, तो 6 ट्रेड हो गए थे हमारे। सो हमने जो है अपना सिस्टम मैंने भी बंद कर दिया था और अपने स्टूडेंट्स वगैरह को भी सबको सिस्टम मैंने बंद करा दिया था 6 प्रॉफिट होने के बाद। तो चलिए अब यहां पर देखिए कि यहां पर जो है मूव जो अब हमने कल जो देखनी है वो कौन सी मूव है जिसको हमने कैच करना है।
तो अब देखिए यहां पर कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आज मैं आपको सेम चीज बात बताने जा रहा हूं कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, देखिए हम एक ट्रेंड लाइन यहां से भी एक ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये देखिए एक हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्रेंड लाइन है, देखिए अब हमारा देखिए कल का व्यू क्या होने वाला है। कल के लिए हमारे पास ये दो लेवल हैं, ये देखिए एक ऊपर का लेवल ये है। पहले मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, फिर आपको साफ चार्ट में मैं करके दिखाता हूं और ये सब चीजें डिलीट करके और आपको जो है एक क्लियर कट में आपको पिक्चर यहां पर दिखाऊंगा। अब ये देखिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये है। अब देखिए अब हमने ये लेवल ड्रॉ कर लिया है, ये लेवल नीचे का है 28,300 का, ये मैंने 28,300 का लेवल नीचे ड्रॉ किया है और ऊपर का जो लेवल है वो है 28,800 का। अब ये 500 पॉइंट्स का ये जो है बीच में गैप है। अब 28,800 के ऊपर निकलता है अगर बैंक निफ्टी तो हम यहां पर बायर बनेंगे और 28,300 के नीचे निकलता है तो हम यहां पर सेलर बनेंगे। हम सेलर बनेंगे तो हमारा टारगेट ये ट्रेंड लाइन होगा, मीन्स हमारा 27,980 हमारा मतलब यहां से जो है 320 पॉइंट्स का टारगेट हमारा नीचे की तरफ रहने वाला है और ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो ऊपर का देखिए जो है कंटिन्यू 7 दिन से कंटिन्यू बुलिश चल रहा है। तो आप जो है मतलब अपना SL जो है उसको कंटिन्यू ट्रेल करते जाइए। यहां पर अभी हम कोई टारगेट ऊपर के लिए नहीं निकालेंगे फिलहाल। अगर हम जो ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर रेजिस्टेंस हमको मिलने वाला है 28,920 के लेवल पर और जो है 29,050 के लेवल पर, तो ऊपर हमको ये रेजिस्टेंस मिलने वाला है। बट आप जो है वहां पर जो है प्राइस एक्शन के साथ साथ अपना स्टॉप लॉस जो है कंटिन्यू ट्रेल करते जाइए। अब देखिए नीचे की तरफ मैंने बता दिया, ऊपर की तरफ बता दिया। अब ये दो लेवल ऐसे हैं जिससे हम हमारा बाइंग और सेल, बाय और सेल का ट्रेड हमारा डिसाइड होगा। अब देखिए हमको करना क्या है, अगर मान लीजिए यहां पर कोई मार्केट में बैड न्यूज आती है और गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद आपको कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है और यहां पर कोई बुलिश कैंडल आपको नजर आती है तो आप इस ट्रेंड लाइन से जो है बाय कर सकते हैं। उम्मीद पूरी है कि इस ट्रेंड लाइन से जो है बाउंस बैक हो सकता है। सेकंड देखिए क्या करना है, सेकंड अगर यहां पर कोई बाउंस बैक होता है, जैसे यहां पर आज ये गैप अप ओपनिंग हुई, ये गैप अप ओपनिंग होने के बाद आपने जो है एक प्राइस एक्शन का वेट करना है। प्राइस एक्शन मीन्स मैं देखिए आपको ये समझा दूं कि ये देखिए यहां पर प्राइस एक्शन बना था, यहां से पहले देखिए ओपन हुआ, ओपन होने के नीचे आया, फिर फाइनली जो है इसने हाई क्रॉस किया। तो इस तरह का सिनेरियो हमने जो है मार्केट में जो है सर्च करने की कोशिश करनी है, ऐसे हमने अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब देखिए गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद आपको जो है वहां पर कंटिन्यू एक जो है प्राइस एक्शन की वेट करनी है और प्राइस एक्शन बनने के बाद आपको जो है डिसाइड करना है कि बाइंग करना है कि सेलिंग करना है। अगर प्राइस एक्शन बनने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाइंग करना है और नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेलिंग करना है। और देखिए यहां पर अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने में हमने क्या करना है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो और हमको मिलता है कहीं 28,300 के आसपास मिलता है तो हम यहां पर जो है बायर बन जाएंगे। 28,300 लेवल याद रखिएगा, लेवल भूलिएगा मैं, 28,300 और 28,800, ये 500 पॉइंट्स का जो है गैप का लेवल मैं आपको बता रहा हूं। अगर यहां पर गैप डाउन ओपनिंग होती है, मान लीजिए 28,600 आज की जो क्लोजिंग प्राइस है और आपको 28,300 पे गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो यहां से हम जो है बाइंग की तरफ जा सकते हैं आफ्टर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीजें साथ में लेके चलिए, कभी लॉस नहीं होगा आपको। और अगर समझ लीजिए यहां से गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद आपको जो एक प्राइस एक्शन की वेट करनी है, गैप डाउन में आपको 28,300 के पास जो है कोई हैमर कैंडल, कोई बुलिश कैंडल कोई मिलता है तो यहां से आप बाइंग कर सकते हैं। और अगर यहां पर देखिए फाइनली फ्लैट क्लोजिंग होती है, अगर मान लीजिए 28,603 पे अभी क्लोजिंग आई है और यहां पर देखिए 28,580, 590 या 10-20 पॉइंट्स के ऊपर नीचे होता है तो फाइनली यहां पर आपने जो है वेट करना है कि आपको या तो इस लेवल पर मिले 28,800 के लेवल पर, यहां से आप जो है कंफर्मेशन का सेल कर सकते हैं, और 28,300 के लेवल पर आप जो है बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमारा जो टारगेट होगा वो ये ट्रेंड लाइन हमारा टारगेट होगा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर कल के सेशन में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमारा टारगेट देखिए क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये गैप फिल करने के लिए आएगा मार्केट। अच्छा, एक चीज का और यहां पर ध्यान रखिएगा, जब यहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो यहां पर एक बहुत शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। बिकॉज अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर देखिए आज भी गैप अप ओपनिंग हुई है तो ये भी गैप फिल करना है, कल भी गैप अप ओपनिंग हुई थी ये भी गैप फिल करना है, परसों भी गैप अप ओपनिंग हुई थी ये गैप। तो अभी जो है देखिए जो 15 मिनट का अगर आप चार्ट लगाएंगे या 5 मिनट का लगाएंगे तो आपको बहुत सारे गैप दिख जाएंगे। अगर मार्केट एक बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गई तो समझ लीजिए ये सारे गैप फिल होने वाले हैं, मार्केट जो है आपको बहुत तेज शार्प फॉलिंग देखने को जो है मिल सकती है। तो चलिए आज हम जो है बात करते हैं
ये चीज मैंने आपको बता दी कल के ट्रेड के लिए, आपको कल किस तरह से ट्रेड करना है, यहां पे आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर जो है काम करना है। अब हम बात करेंगे देखिए अपने आज के ट्रेड के बारे में, जो हम आज सॉरी यहां पर मैं आपको ये चीज दिखाने की कोशिश करूंगा। हाँ चलिए, हाँ तो मैंने आपको देखिए अपने चैनल पर लेकर चलता हूं, और चैनल पर देखिए हम यहां पर सबसे पहले बात करेंगे अपने इस ट्रेड के बारे में जो मैंने आपको बताया था। तो यहां पर देखिए सबसे पहला जो मैंने आपको ट्रेड बताया था, तो ये निफ्टी का और बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने जो है आपको ओपन करके दे दिया था, बता दिया था किस तरह से करना है। तो ये देखिए हमने यहां पर जो है फाइनली ये देखिए ये मैंने निफ्टी का चार्ट आपको मैंने पोस्ट किया था, और यहां पर आपको बताया था कि ये देखिए ये हमारा एक सपोर्ट है, और यहां पर देखिए यहां पर डबल बॉटम पैटर्न यहां पर बन रहा था। तो डबल जब बॉटम पैटर्न बन रहा था तो इसके बेस पर जो है यहां से बाउंस बैक हो सकता था। सो मैंने आपको यहां पर बताया कि अगर इसको ब्रेक करता है तो यहां पर निफ्टी में बहुत शार्प सेलिंग आ सकती है, अदरवाइज यहां से जो है बाउंस बैक हो जाएगा। तो फाइनली देखिए निफ्टी ने बाउंस बैक किया, और कितना अच्छा बाउंस बैक किया वो चार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और बैंक निफ्टी के बारे में ये देखिए मैंने आपको जो है सवेरे 2 मिनट के चार्ट में ये मैंने चार्ट आपको पोस्ट किया था। तो यहां पर देखिए एक फाइनली एक रेंज जो है 2 मिनट के चार्ट में बन रहा था, और मैंने यहां पर आपको बताया था ये जो है हमारा 28,050 के आसपास था, और 28,050 का लेवल ब्रेक हुआ और 28,800 तक गया, यहां पर 750 पॉइंट की मूव हमको जो है देखने को मिली। अब जो है मैं आपको सबसे देखिए अब मैं जो है यहां पर जो चार्ट बनाया है वो चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब ये देखिए यहां पर जो आप चार्ट देख रहे हैं ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, और ये मैंने जो है स्क्रीनशॉट लिया हुआ है 2 बजे का। तो देखिए निफ्टी के चार्ट में जो है देखिए जैसा मैंने आपको बताया ये 5 मिनट का चार्ट है, वो 2 मिनट का चार्ट था। ये 5 मिनट के चार्ट में देखिए किस तरह से कितना अच्छा बाउंस बैक हुआ है, और मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही चलती चली गई है। अगर आप यहां पर अपना स्टॉप लॉस जो है कंटिन्यू ट्रेड करते जाते तो आप यहां जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अब फाइनली ये देखिए अब निफ्टी बैंक का चार्ट जैसा कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट के चार्ट में दिखाया, तो ये 5 मिनट का चार्ट है। तो यहां पर देखिए सेम चीज है, मैंने यहां पर आपको बताया था इस ब्रेकआउट के बाद 28,050 का जो ब्रेकआउट होगा इसके बाद जो है आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं, और फाइनली अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम जो है सेलर बन जाएंगे। देखिए मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूं, और इंट्राडे ट्रेडर हमेशा मार्केट में न्यूट्रल रहता है, उसको उस चीज से कोई मतलब नहीं है कि अगर हम बाइंग की तरफ जा रहे हैं तो हमको बाइंग ही करना है, हम सोच कर आए हैं हमको बाइंग करना है तो बाइंग करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको मार्केट की कंडीशन मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से अपना व्यू वहां पर चेंज करना होता है। अगर आप अपना व्यू चेंज नहीं करेंगे और आप अड़े रहेंगे कि नहीं मैं बायर हूं तो मैं बाइंग ही करूंगा, तब आप यहां से पैसे नहीं बना सकते। सो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अब जो है हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो चलिए हमने सबसे पहले जो है एक्सिस बैंक का चार्ट यहां पर लगाया हुआ है। अब देखिए जैसा मैंने आपको यहां पर बताया था कि यहां पर देखिए एक डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न बन रहा था, और डबल टॉप पैटर्न मैंने बताया था कि एक कैंडल आप जो है ऊपर क्लोजिंग आ लेने दीजिए। ऊपर क्लोजिंग आने के बाद देखिए 540 पर जो है क्लोजिंग यहां पर आ गई थी, और फाइनली हमने यहां पर जो है 580 का टारगेट दिया था, तो ये टारगेट भी आज अचीव हो गया है। यहां पर आप जो है 70-80% टारगेट बुक करके जो है मतलब 30% टारगेट को जो है आप कंटिन्यू ट्रेल करते रहिए पिछले दिन के कैंडल का जो है लो का जो है स्टॉप लॉस लगाकर। नेक्स्ट है बंधन बैंक। बंधन बैंक भी देखिए आपको जो है यहां पर बताया था 332 के ऊपर आप जो है बाइंग कर सकते हैं, और यहां पर देखिए कल हमको क्या करना है, अगर 353 के ऊपर निकलता है तो हमारा जो है टारगेट यहां पर निकल के आएगा वो 365 का होगा। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी देखिए यहां पर एक देखिए रेंज बना रहा था, कंटिन्यू यहां पर रेंज एक बन रही थी, और आपको यहां पर बताया था कि रेंज ब्रेकआउट होने के बाद हम जो है यहां पर एक अच्छी बाइंग यहां पर आ सकती है। तो अब देखिए यहां पर जो है हमारा टारगेट तो यहां पर अचीव हो चुका है, बट अभी जो है कल के लिए 49 रुपए के ऊपर निकलता है तो आप यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं 50 रुपए और 50 और 51 के लिए। नेक्स्ट है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक ने देखिए आज हमारा टारगेट अचीव कर दिया है, यहां पर देखिए हमने 53 की यहां पर बाइंग थी पोजिशनल, और यहां पर देखिए टारगेट जो आ चुका है 59 का आ चुका है। तो अब हमको देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। यहां से देखिए 1 या 2 दिन मेरे को लगता है करेक्शन हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, उसके बाद जब इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट नेक्स्ट टारगेट रहेगा 62। आज देखिए बैंक निफ्टी को जो ऊपर लेके गया वो लेके गया इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब बैंक्स ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है,
कोटेक बैंक इतना अच्छा नहीं कर पाया जितना एचडीएफसी बैंक ने किया, जितना अपना इंडसइंड बैंक ने किया। हाँ, एक इंडसइंड बैंक मैंने आपको दिया भी था टेलीग्राम चैनल में, और वो इंडसइंड बैंक मैंने आपको नियर अबाउट दिया था 812 रुपए के लेवल पर, जब वो 807 या 808 रुपए पर ट्रेडिंग कर रहा था, तो मैंने बताया था कि आपको कि अगर ये 812 का लेवल क्रॉस करता है तो हम यहां पर बहुत अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। तो फाइनली देखिए 812 से 870 मीन्स 812 to 817, तो देखिए कितनी अच्छी 58 पॉइंट्स की वहां पर जो मूवी हुई है, और बहुत अच्छी मूवी देखने को मिली है। मोर देन हम कह सकते हैं 6 to 7% जो है वहां पर मूव देखने को मिलेगी। तो जिन लोगों ने इंडसइंड बैंक को वहां पर बाय किया होगा, उम्मीद करता हूं कि उन लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो देखिए यहां पर भी मैंने अब 1250 के ऊपर जो है मैंने आपको बताया था बाइंग के लिए पोजिशनली, यहां पर कुछ लोग यहां पर लेकर गए थे हमारे कुछ स्टूडेंट्स, और यहां पर हमारा टारगेट जो था फाइनली 1350 और 1400 को था, तो आज इसने 1395 का जो है हाई लगा दिया है। अब देखिए कल के लिए हमको क्या करना है, 1395 के ऊपर जो है एक बार इसकी क्लोजिंग 1400 के ऊपर आ लेने दीजिए। 1400 के ऊपर जब ये कुछ टाइम सस्टेन हो जाए तो यहां पर आप जो है इंट्राडे में बाइंग जो है बना सकते हैं। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक देखिए, देखिए मैंने आपको पीछे एक वीडियो में जाकर देखिएगा, मैंने बताया था आपको कोटक बैंक का और आईसीआईसीआई बैंक का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। तो कोटक बैंक मैंने आपको बताया था 1605 रुपए के ऊपर निकलेगा तो बाइंग करना है, और आईसीआईसीआई बैंक का मैंने आपको जो है कोटक बैंक का एग्जाम्पल देकर आईसीआईसीआई बैंक को मैंने बाय करने के लिए बताया था जब 450 रुपए के ऊपर निकले। तो फाइनली यहां पर देखिए 450 रुपए के ऊपर आज हमारा टारगेट यहां पर अचीव हो गया। हमारा टारगेट यहां पर 475 का था और आईसीआईसीआई बैंक ने 487 लगा दिया है। अब जो है देखिए कल अगर इंट्राडे में आपको ट्रेड करना है तो 487 के ऊपर इसको 5 से 10 मिनट सस्टेन होने दीजिए। हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 495 और 500। तो देखिए मैं आपको कोटक बैंक का भी चार्ट लगा के आपको दिखाता हूं। ये देखिए ये लेवल था, और मैंने आपको यहां पर समझाया था कि देखिए दोनों जो है सेम तरीके से ट्रेड कर रहे थे। ये देखिए एक 1605 का लेवल था, तो 1605 के ऊपर जो है बाइंग करने के लिए आपको मैंने बताया था, और यहां पर टारगेट मैंने आपको 1700, 1750 और 1800 का दिया था। तो फाइनली इसने आज 1795 का हाई लगा दिया है। तो हम आईसीआईसीआई के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें देखिए आपको जो है वेट करना है 488 के ऊपर, जब ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दे 488 के ऊपर जो है आप यहां पर 495 और 500 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आईडीएफसी बैंक। तो आईडीएफसी बैंक ने भी देखिए, देखिए ये जो है ना 100 रुपए से नीचे का स्टॉक है, तो मैं इन स्टॉक्स को मतलब मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया या फिर पंजाब नेशनल बैंक हो गया, मैं इन दोनों स्टॉक्स को जो है ड्यूरिंग ट्रेडिंग मैं देखता तक नहीं हूं, ठीक है। तो मैं मतलब ये मेरी वॉच लिस्ट में भी नहीं होते हैं, बट यहां पर अगर पैटर्न के हिसाब से देखें तो ये देखिए जो इसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया था 32 का, और फाइनली इसका जो है नेक्स्ट टारगेट अपना निकल के आ रहा था ये जो नेक्स्ट हाई लगा हुआ है। तो अब यहां पर जो है डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न यहां पर बन रहा है, तो अभी यहां पर जो है बाइंग से थोड़ा दूर रहिए। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक। ये देखिए इंडसइंड बैंक को मैंने आज आपको जो है कितने पर दिया था, 812 के लेवल पर दिया था। इसको मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में लेकर चलता हूं और बताऊंगा कि क्यों मैंने 812 के लेवल पर दिया था। ये देखिए ये 812 का लेवल था। यहां पर देखिए जब इंडसइंड बैंक की आज ओपनिंग हुई थी, तो ओपनिंग के बाद देखिए इसमें जो है एक सेलिंग देखने को मिली। अब मुझे ये था कि यहां पर एक प्राइस एक्शन देखिए यहां पर बन रहा था, जब ये 812 क्रॉस किया प्राइस एक्शन के बाद, यहां पर देखिए 812 के बाद इसने जो हाई लगाया वो 869-870 का लगाया। तो यहां पर बहुत एक अच्छी मूव देखने को मिली है, और जिन लोगों ने इसमें ट्रेड किया होगा आई होप दैट उन लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक में भी हमारा टारगेट आ चुका है, तो अब इसमें मैं जो है यहां पर अगर कल आपको बाइंग करनी है तो 1755 रुपए के ऊपर 1755 के ऊपर जो है यहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। आपका टारगेट जो है होगा 1790 रुपए और 1765 1785 और जो है 1800 रुपए का। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक को रहने दीजिए। नेक्स्ट हमारा आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक को भी मैंने आपको यहां पर बताया था 188 के ऊपर 190 के ऊपर, तो 190 के ऊपर हमारा टारगेट बस यही था जो आज यहां पर अचीव हो गया। हमारा टारगेट इसमें 210 रुपए का था, तो यहां पर फाइनली 213 का हाई लग गया है। तो अब इसमें जो थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर भी डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यहां पर मे बी जो है थोड़ी करेक्शन आ सकती है, और वो करेक्शन मुझको लगता है शायद इस ट्रेंड लाइन तक यहां तक जो है करेक्शन आ सकती है, अदरवाइज जो है यहां से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। सो अभी जो है जब ये 215 का लेवल क्रॉस करता है फिर इसमें आप बाइंग बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक को यहां पर देखिए आपको दिया था पोजिशनल 210 रुपए के ऊपर, 210 रुपए के ऊपर देखिए इसमें भी हमारा टारगेट नियर अबाउट आ चुका है 230 रुपए का, तो इसने आज 235 का हाई लगाया है। नियर अबाउट अगर आप देखने की कोशिश करेंगे
तो बैंकिंग के ज्यादातर स्टॉक्स में जो है आज डबल टॉप पैटर्न बन रहे हैं। आप एक बार जो है बैंकिंग का चार्ट जरूर खोलिएगा और एनालिसिस करने की कोशिश करिएगा कि देखिए देखिए ये फर्स्ट टॉप बना हुआ है और ये दूसरा टॉप बना हुआ है, तो यहां पर जो है देखिए डबल टॉप पैटर्न इसमें भी बन रहा है। तो ये सारी चीजें देखिए मैं आपको जो है कंटिन्यू पोस्ट करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल में। देखिए मैं 15-15 मिनट के बाद आपको चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ वहां पर कि अभी देखिए मार्केट में क्या सिनेरियो है, मार्केट में क्या होने वाला है, कौन सा लेवल ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, कौन सा लेवल ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा। तो अगर आप देखिए ऑप्शन ट्रेडर हैं और अगर ये सब चीजें सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, जो ट्रेड मैं पर्सनल खुद ट्रेड करता हूं वो ट्रेड जो है मैं ऑप्शन बैच के ग्रुप में देता हूं। जो स्ट्राइक प्राइस, जो भी स्ट्राइक प्राइस जिस लेवल पर बाय करता हूं वो सारी चीजें मैं ऑप्शन बैच के ग्रुप में देता हूं। अगर आपको भी हमारे साथ ट्रेड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई चार्ज नहीं है, एक पैसा नहीं लगेगा आपको, आपका आपने सिर्फ जो है हमारे साथ अकाउंट ओपन करना है, एंजल ब्रोकिंग में या अलाइस ब्लू में, दोनों में से किसी में भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको जो है आप इस ट्रेड के लिए जो है मतलब मेरे पर्सनल कॉल्स के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। वहां पर जो मैं पर्सनल कॉल करूंगा, मान लीजिए मैं 28,000 की मैं स्ट्राइक प्राइस में बाय कर रहा हूं, 28,000 की कॉल मैं बाय कर रहा हूं, तो 210 रुपए पर मान लीजिए एग्जाम्पल मैं बाय कर रहा हूं 28,000 की कॉल, तो मैं 28,000 की कॉल 210 पर आपको भी दूंगा, सेम टाइम पर दूंगा, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं जो ट्रेड मैं करता हूं। सो मतलब मेरे ऑप्शन बैच के जो भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ लर्नर्स हैं और कुछ वो हैं जिन्होंने अकाउंट ओपन किया हुआ है, वो सारे देखिए आज मैं किसी दिन मैं आपके साथ वो भी सारे स्क्रीनशॉट्स मैं शेयर कर दूंगा। हम कंटिन्यू 7 दिन से बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट बना रहे हैं। आज 7 दिन से मार्केट में बहुत अच्छी अपमूव चल रही है और आज हमारा भी 7वां ही दिन है जो हम कंटिन्यू जो है अच्छे अच्छे प्रॉफिट यहां पर बना रहे हैं। सो हमारे साथ जुड़िए, हमारे एंजल टेक फैमिली का पार्ट बनिए और फ्री में, यहां पर कोई आपको प्रीमियम चार्ज नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए आप हमारे साथ ट्रेड करिए, आई इन्वाइट यू। सो आइए हमारे साथ मिलकर ट्रेड करिए, मिलकर पैसा बनाते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं पैसा मैंने आपको अपनी जेब से देना है, मार्केट से लेना है हमने पैसा। सो आइए हमारे साथ मिलकर ट्रेड करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद।